नमस्कार, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से, जहां पर इसी नहर में एक लाश दिखी है और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं काफी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मौके पर पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची हुई है। SI हैं भूपेंद्र जी, बात करना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब ये लाश दिखी सर? अभी SHO के नॉलेज में दिया है, अभी फोन आया था हमारे पास, हम मौके पर पहुंचे हैं, देखते हैं इसको, आइए बुलाया, निकाल के इसकी पहचान करें, देखें कपड़े कुपड़े डाले हुए हैं। कपड़े अभी तो बाहर निकाले नहीं, दिखाई देता है शायद नंगा है, कपड़े हैं, निकलने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, उसके बाद कार्रवाई होगी। जो जानकारी मिली सर अभी 5-10 मिनट पहले फोन आया, मैसेज आया हमारे पास, तुरंत हम यहाँ पहुँचे मौके पर। गोताखोर आएंगे सर? गोताखोर की तो जरूरत नहीं, वैसे ही आ जाएगी साइड में आने लग रही शादी, या फिर बुलाएंगे आइयो के आने के बाद निकालेंगे इसको। भाव कम है? हाँ, भाव कम है, नहीं पानी भी कम है, इसलिए पुरुष की लगती है कि भाई? पुरुष हाँ, आदमी है, औरत नहीं है, पुरुष की लगती है। हाँ, पुरुष की लगती है। तो भूपेंद्र SI हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है और इसी नहर में ये जो लाश है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लाश किसकी है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पानी का स्तर, जी हाँ, पानी का स्तर काफ़ी कम है, पानी का स्तर काफ़ी कम है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ देखा आपने? सर हमने ना बहुत देर से देखा है तो तैरते हुए, और ये तैरते हुए जा रही है ना, कोई इसको कोई बाहर निकाल रहा है और वैसे तैर रहा है पानी में ये। अच्छा, कपड़े डाले? कपड़े नहीं डाले, नहीं हुए हैं, ओपन है, ऐसे दिख रहा है, ओपन ही है। क्या लगता है, पुरुष है महिला? पुरुष लग रहा है हमारे को तो, अंदाजे पुरुष लग रहा है, पुरुष है। हाँ, कितने समय पहले देखी आपने ये लाश? हमने अभी 1 घंटा हो गया देखते हुए। हाँ जी, अभी 15 मिनट से अभी आ रही है, देखिए 15-20 मिनट से पहले देखिए, बस 15 मिनट पहले देखे थे अभी, बस कुड़ के नीचे थी जी, अभी आई है यहाँ तक तक, अभी यहीं घाट से निकाली जाएगी तो घाट से निकाली। हाँ, और तो अब गोताखोर में लाना पड़ेगा, चाहे अभी तो काफ़ी पानी का बहाव भी कम आना जी सर, पानी का बहाव। हाँ, बिल्कुल पानी का बहाव बहुत ज़्यादा कम है और जो लाश है वो यहाँ पर देखी गई है, गोताखोरों को सूचना दे दी गई है, जल्द ही इस लाश को बाहर निकालने का काम जरूर किया जाएगा। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहां पर भीड़ देखी जा रही है। थोड़ी देर पहले, जी हां, थोड़ी देर पहले ये लाश यहां पर देखी गई थी, फिलहाल काफ़ी लोगों की यहां पर भीड़ देखी जा रही है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले, जी हां, थोड़ी देर पहले एक लाश को देखा गया, इस लाश को देखा गया और काफ़ी लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। कब देखा था आपने? मैं तो अभी आके खड़ा हुआ। दस मिनट पहले पुल के नीचे से। क्या लगता है, किसी पुरुष की? ये नहीं पता, पुरुष की है, पुरुष की है। पुलिस मौके पे इनको निकालना चाहिए, इनका फर्ज है निकालने का, या गोताखोर बुलाए। चलो ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं काफी लोगों की फिलहाल यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं, ये व्यक्ति कौन है अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। लाश को बाहर निकाला जाएगा, जी हाँ, तभी पता चल पाएगा। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा गया एक जो लाश वो यहाँ पर बहती हुई दिखाई दी इस नहर की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं डायल 112 यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है, सूचना दे दी गई है, थोड़ी देर बाद जो है इस लाश को बाहर निकालने का काम भी किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। ये व्यक्ति कौन है, शिनाख्त जरूर की जाएगी, आपका एक शेयर जो है इसके परिवार को जरूर मिलवा सकता है। देखने से ये पुरुष लगता है और कपड़ों की अगर हम बात करें, कपड़े बदन पर नहीं है, अंडरगारमेंट जो है इस व्यक्ति ने डाला हुआ है। लाश को बाहर फिलहाल बाहर निकालने का काम किया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये लाश किसकी है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी देर पहले सूचना मिली है
और सूचना मिलने के बाद जो है आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। डायल 112 यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है, गोताखोरों को सूचित कर दिया है, जल्दी गोताखोर यहाँ पर पहुँचेंगे और लाश को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये व्यक्ति कौन है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखने से लगता है कि पुरुष बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अब इस रस्सी के माध्यम से, ये आप देखिए रस्सी के माध्यम से लाश को बाहर निकालने का काम जरूर किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सूचना मिलती है कि एक लाश देखी गई। आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची। डायल 112 की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची और लाश को फिलहाल बाहर निकालने का काम किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। बदन पर कपड़े नहीं डले हुए हैं, अंडर गारमेंट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली जो इसकी सिचुएशन है वो थोड़ी देर बाद जरूर पता चल जाएगी। आप ये देख सकते हैं फिलहाल काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है और लाश को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये पुरुष है, महिला की लाश नहीं है, पुरुष की लाश है। ये व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि परिवार वालों को इस बाबत सूचना दी जाए। अपडेट आपको देते रहेंगे।